हेलो दोस्तों, मैं संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका। दोस्तों, आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं रेडमी 9 की, जो कि एक मिड रेंज फ़ोन है जो 10,000 के अंदर आता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बॉक्स में क्या है। बॉक्स में सबसे पहले हमें एक सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है। इसके अलावा हमें कुछ बुकलेट मिल जाती हैं, इसके मोबाइल के बारे में डिटेल्स इसमें दी गई हैं। उसके अलावा सबसे ऊपर हमें मोबाइल रखा हुआ मिल जाएगा। मैंने ऑरेंज कलर का लिया है, जो कि थोड़ा सा यूनिक कलर है। इसके अलावा आप लोगों को बॉक्स में और क्या-क्या मिलता है? एक डेटा केबल मिल जाएगा, टाइप ए टू माइक्रो यूएसबी। ये माइक्रो यूएसबी डेटा केबल आपको बॉक्स में मिलेगा। इसके अलावा आपको एक एडाप्टर मिलेगा 10 वाट का, जो कि बहुत ही कम है। आजकल 18 वाट से कम तो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मोबाइल में बैटरी 5000 mAh की है। इसको चार्ज करने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। मोबाइल काफ़ी सही है। ऊपर साइड में 3.5 mm का जैक दिया गया है। राइट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर एंड पावर ऑफ ऑन बटन दी गई है। नीचे साइड में आपको स्पीकर ग्रिल, माइक्रो यूएसबी पोर्ट एंड एक माइक्रोफोन मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में आप लोगों को सिम ट्रे मिल जाएगी। बैक साइड में आपको डबल कैमरा दिया गया है, एक फ्लैश दिया गया है और फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। इस फ़ोन में आपको 6.53 इंच का IPS HD डिस्प्ले मिल जाता है, जिसका रेजोल्यूशन 720x1600 है, 100 है, ठीक है। मीडिया टेक का हीलियो G35 प्रोसेसर दिया गया है। इसकी बैटरी की बात की जाए तो बैटरी इसमें 5000 mAh की दी गई है। MIUI 12 पे काम कर रहा है ये। इसके अंदर चार्जर आपको 10 वाट का मिलता है। चार जी बी रैम है, 64 GB इंटरनल स्टोरेज है। डिस्प्ले काफ़ी सही है, व्यू एंगल भी काफ़ी अच्छे हैं। हाँ, इसमें कुछ ऐप्स दिए गए हैं ऐड वाले, जिसकी वजह से थोड़ा सा इसका UI उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया मुझे। हालांकि ऐप्स को आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, लेकिन ऐड्स वगैरह थोड़े बहुत आते रहते हैं, जो कि मिड रेंज फ़ोन में होता है। बैक साइड में एक ग्रेडियंट फिनिश दिया गया है, जिसपे आपके फिंगरप्रिंट नहीं आएंगे। ड्यूल कैमरा दिया गया है, 13 MP का एंड 2 MP का, और एक फ्लैश दिया गया है। मोबाइल से आप HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फ्रंट में आपको 5 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, जो कि दिन में अच्छी फ़ोटो दे देता है, लेकिन कम रोशनी में थोड़ी सी फ़ोटो ब्लरी आती है। ओवरऑल ठीक फ़ोन है, जिस प्राइस रेंज पे आ रहा है उसके हिसाब से ठीक है। लाइट कंडीशन अच्छी होगी तो फ़ोटो बढ़िया देता है, लेकिन आर्टिफिशियल लाइट में फ़ोटो उतनी अच्छी नहीं आ पाती है।